मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने बुधवार को जीडीए के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने विभिन्न पत्रावलियों के बारे में सचिव अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता से विस्तृत में जानकारी ली। उन्होंने पत्रावलियों को ठीक ढंग से रख रखाव के निर्देश दिए। जीडीए के द्वारा चल रहे सभी विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी विकास कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में साफ सफाई न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसके लिए एक हफ्ते की कार्य योजना बनाकर रंगाई पुताई का कार्य करने के लिए जीडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कार्यालय में टूटे फर्नीचर को हटाकर नया फर्नीचर लगाने के लिए कहा, जिसको एक हफ्ते के अंदर पूरा करना है और मानचित्र के पटल को एयर कंडीशन बनाया जाएगा। इस अवसर पर जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, 2000 रुपये घंटा लेते हैं और हमारा जाके वहाँ पर खड़ा होता है, पहले 2 घंटे तक पुलिस को इंतजार करना और हमें खाली करके रखते हैं। जैसे हमको छोटा नाली की सफाई करनी है, हमें पता है वहाँ जाके सफाई करनी है, सफाई सर एक अपने रखो बाकी हम जैसे हर महीने 40,000 फिक्स कॉस्ट हमारा है, 90,000 रुपये लेकिन जाता तो है सर बाद में, ठीक है सस्पेंड कर लेते हैं। एक नाइट ओनली थिंग है सर, ओपन नाइट भी थे या ओपन बिफोर मी सस्पेंड है इस टाइम पर। काम करा करके करना है तभी आप लोग कमेटी तो फाइल नहीं करते कार्यालय देखिए, आज आयुक्त महोदय द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर साहब भी आए थे और औचक निरीक्षण में उनके द्वारा सभी पटलों पर जा के जानकारी ली गई, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई, फाइलों की व्यवस्था देखी गई एवं अन्य प्रकार के जो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको देखा गया। तो जो आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि कई कमरों में कई पटलों में साफ़ सफाई की जो व्यवस्था अच्छी नहीं देखी गई है, तो उसके लिए हम लोग एक हफ्ते की कार्य योजना बनाएंगे और जितने भी यहाँ पे हमारे पटल्स हैं सबकी इंटरनल उसकी रंगाई पुताई का कार्य होगा। दूसरा, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी फर्नीचर टूट गए हैं उसको डिस्पोज ऑफ करके और नया फर्नीचर लगाने के लिए उसको भी हम लोग अगले एक हफ्ते में करेंगे। तीसरा, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुछ यहाँ पर प्रिंटर की शॉर्टेज की वजह से बाहर प्रिंटआउट निकाला जा रहा है जो कि ज़्यादा उसमें खर्च आता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से 5 प्रिंटर और ख़रीदेंगे। इसके अलावा जो हमारा मानचित्र का पटल है, मानचित्र के पटल में धूल धक्कड़ होने से जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसको देखते हुए वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लगाया जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सुझाव आयुक्त महोदय द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं और हम लोग इसको पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो भी सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे।